hello everyone and welcome back to our channel biology impulse today in this session we will discuss about some of the very important mcqs from the need and aims point of view from the chapter number 6 of class 12 that is molecular basis of inheritance so without wasting any time let's proceed विदा टूडे सेशन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एन ए शुड बी द मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल कि इनमें से कौन सा आर एन ए है जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनिमल सेल्स के अंदर द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए दैट इज आर आर एन ए बिक दिस राइबोजोमल आर एन ए इज़ द मोस्ट अबनडेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ आर एन ए that is 70 to 88 percent hence it will be the present in highest amount percentage of trna and mrna is 15 percent and 2 to 5 percent respectively therefore the rrna is the most abundant one the next question is if there are 999 bases

थ्री अमाइनो एसिड्स के लिए भी अब जो नाइन जीरो वन पोजिशन पे जो बेस पेयर था वो डिलीट हो गया है और जो टोटल रेंथ लेंथ रह गई वो है नाइन नाइन्टी बेसिस तो कितने कोडोन्स वहाँ पर ऑल्टर्ड होंगे द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी दैट इज थर्टी थ्री कोडोन्स बिकज़ वन कोडोन कंसस्ट फोर थ्री बेसिस दैर

नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन एच वन विद द न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स कि जो हिस्टोन है एच वन अगर उसका एसोसिएशन हो रहा है न्यूक्लियोसॉम के साथ तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी दैट इज द डी एन एज कंडेंस्ड इन टू द क्रोमेटीन फाइबर द हिस्टोन बेसिकली हेल्प्स एन पैकेजिंग ऑफ डी एन ए इन यू कैरियॉट्स द डी एन ए पैकेजिंग इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हिस्टोन है वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है हिस्टोन कंटेन्स अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड लाइक लाइसिन एंड आर्जनिन इन दक्चर वेयर इज द डी एन एज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द रिजल्ट ऑफ दिस अपोजिट चार्जेस इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन एंड दो हाई बाइंडिंग एफिनिटी विद हिस्टोन एंड डी एन ए अब चूँकि जो हिस्टोन है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो डी एन ए है वो है नेगेटिवली चार्ज और इसी की वजह से ये जो अपोजिट चार्जेस हैं इनकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बॉन्ड बनेगा और इससे जो डीएनए और हिस्टोन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोम्स आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ कि यानी जो स्प्लाइसोसॉम्स हैं ये कौन से टाइप की सेल्स में नहीं मिलते हैं द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी दैट इज़ बैक्टीरिया बिकॉज़ दीज स्ोसोम्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स एंड दे विल नॉट अकर इन प्रोकेरियोट्स बिकज़ प्रोकेरियोड डू नॉट हैव इंट्रोन्स एंड दस प्रोसेसिंग डज नॉट रिक्वायर स्प्लाइसिंग ऑफ एम आर एन ए यानि कि जो बैक्टीरिया है वो है एक प्रोकेरियोट और प्रोकैरियोट के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं और ये जो स्प्लाइसोसॉम्स हैं इनका काम ही होता है इंट्रॉन्स को हटाना अब चूंकि इंट्रॉन्स है ही नहीं तो यहाँ पे स्प्लाइसोसोम्स का भी कोई काम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डी एन एर एप्लीकेशन दजा के फ्रेगमेंस आर यूज टू इलोंगेट द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी दैट इज the lagging strand away from the replication fork because the lagging strand is a replicated strand of dna which is formed in short segment called okazaki fragments its growth is discontinuous the direction of growth of the lagging strand is 5 to 3 dex direction though in each okazaki fragment it is five डैश टू three डैश डायरेक्शन therefore डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाइनल प्रूफ फॉर DNA as the एज द जेनेटिक from केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट कि जो मेन प्रूफ था कि डीएनए एन एज अ जेनेटिक मटीरियल काम करता है वो किसके एक्सपेरिमेंट की वजह से प्रूव हुआ था करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी दैट इज़ हार्शे And chase experiment. Next question is: the DNA dependent RNA polymerase catalyzes the transcription on one strand of DNA which is called as the correct answer is answer number C: that is template strand. The strands of DNA on which the RNA polymerase bind. टू कैटेलाइज द ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड टैम्पलेट स्ट्रेंड यानी कि डी एन ए का वो स्ट्रेंड जिसके ऊपर आर एन ए पॉलीमर इज बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन को कैटेलाइज करने के लिए तो उस ट्रेंड को हम टैंपलेट स्ट्रेंड बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी सेंस ट्रेंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मोलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल द ट्रेट गिवन बिलो एक्सेप्ट यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जेनेटिक मटीरियल के जैसे एक्ट कर रहे हैं उनके अंदर कौन कौन से ट्रेट होने चाहिए उस एक पर्टिकुलर ट्रेट को छोड़ के यानी कि कॉन्सेंट्रेट नहीं होना चाहिए द करेक्ट आंसर इज़ आंसर नंबर ए दैट इज़ इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली

यानी कि स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट इनमें से कौन सी चीज है द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी दैट इज सिस्ट्रॉन बेसिकली सिस्ट्रॉन इज अ लेंथ ऑफ डी एन ए दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर कोडिंग अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड चेन और अ फंक्शनल आर एन ए मॉलिक्यूल दैफो सिस्ट्रॉन इज अ यूनिट ऑफ फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मकैनिज्म that cause a gene to move from one linkage group to another is called यानि कि वो mechanism जिसके through कोई एक gene है वो एक linkage group से दूसरे linkage group की तरफ move कर सकती है उस procedure को हम क्या बोलते हैं The correct answer is answer number A that is translocation. The translocation

प्रूव कर सके तो उसने किस चीज़ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी दैट इज़ विशिया फैबा ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एंड द नॉर्मल नेम ऑफ फीशिया सेबा इज़ ब्रॉड बींग नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार्टर कॉडोन कि इनमें से कौन सा एज अ स्टार्टर कॉडोन एक्ट करता है

नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बालबिनी रिंग्स आर द साइट फो ये जो बालबिनी रिंग्स हैं ये किस चीज़ की साइट होती हैं द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी दैट इज आर एन एंड प्रोटीन सिंथिस इन सर्टन डेवलपमेंट स्टेज द पॉलीटीन क्रोमोजोम्स बी आर द कॉन्सपीशियस वेलिंग कॉल्ड द क्रोमोजोम पफ्स द लार्जस्ट स्वेलिंग आर कॉल्ड एज बाल्बनी रिंग्स यानी कि कुछ स्टेज के अंदर जो पॉलिटीन क्रोमोजोम है उसके अंदर काफ़ी सारी स्वेलिंग हो जाती है और इसी स्वेलिंग को हम क्रोमोजोम पफ्स बोलते हैं और जो लार्जर स्वेलिंग होती हैं उनको हम बाल्बनी रिंग्स बोलते हैं दी एम आर एन ए मे रिमेन टेम्परली स्टोर्ड इन द पफ एंड दे में अंडर गो ट्रांसक्रप्शन टू फॉर्म दी प्रोटीन और जो एम आर एन ए है वो कुछ टाइम के लिए टेम्प्ररी स्टोर रह सकता है इन क्रोमोजोम पब्स के अंदर और फिर वहाँ पर ट्रांसक्रप्शन होगा जिससे प्रोटीन्स बन पाएंगे दो द बाल्बन ए रिंग्स आर दी साइट फो दी आर एन ए आन दी प्रोटीन सेंथिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी दैट इज ग्रिफ्त एक्सपें जो ग्रिफ्त साइंटिस्ट था उसने ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रिंसिपल था वो दिया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एग्जोन इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड यानि कि इंट्रॉन्स का रिमूवल और एग्जोन्स की ज्वाइनिंग होना ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे उसको हम क्या बोलते हैं द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी सॉरी द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी दैट इज स्प्लाइसिंग यानी कि स्प्लाइसिंग के अंदर इंट्रॉन्स का रिमूवल होता है और एग्जॉन्स की जॉइनिंग होती है द करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डी एन एज़ द नाइट्रोजेनस बेस सिक्वेंस एज ए टी सी टी जी वॉट वॉट बी दी कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए स्टैंड सीक्वेंस यानी कि अगर डी एन ए का एक स्टैंड है और उसके अंदर जो बेस सीक्वेंस है वो है ए टी सी टी जी तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री आर एन ए स्टैंड बनेगा उसकी करेक्ट सिक्वेंस क्या होगी द करेक्ट आंसर एज आंसर नंबर बी दैट इज यू ए जी ए सी इन आर एन ए बेसिकली द थाईमीन इज सब्स्टिट्यूटेड विद यूरेसल हमें ये बहुत जर्नल स्टेटमेंट पता है कि आर एन ए की अगर हम बात करें तो जो थाईमीन है उसको कौन रिप्लेस कर देता है यूरेसल उसको रिप्लेस कर देता है दस द आर एन ए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री टू डी एन ए स्ट्रैंड ए टी सी टी जी

माइग्रेट टू द न्यूक्लिसस फ्रॉम देअर असेंबली साइट इन द साइटोप्लाजम एंड आर पैकेज इन टू द रबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी कि जो उनकी मेन साइट है राइबोजोमल प्रोटीन की असम्बली साइट दैट इज साइटोप्लाजम ये वहाँ से माइग्रेट होके न्यूक्लियोलिस के अंदर पहुँचेंगे और फिर वहाँ पर इनकी पैकेजिंग होगी रैबो न्यूक्लियो प्रोटीनस के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेटेलाइट आर एन ए आर प्रेजेंट इन जो सेटेलाइट आर एन ए है वो नॉर्मली किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी दैट इज प्लांट वायरस द प्लांट वायरस ऑफन कंटेन पैरासाइट्स ऑफ देयर ओन रेफर टू एज सेटेलाइट द सेटेलाइट आर एन ए आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर हेल्प वायरस

वो हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होगा किसी और दूसरे के लिए वो काम नहीं करेगा देर आर सिक्सटी फोर कोडोन्स आउट ऑफ विच थ्री आर स्टोप कोडोन्स और नॉन सिक्स कोडोन दैट इज दे डू नॉट कॉड फॉर एनी अमाइनो एसिड एंड रेस्ट सिक्सटी वन काडोन्स फॉर वन ऑफ द ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ़ आर एन ए पॉलीमरीज थ्री फ्रॉम द न्यूक्ओ प्लाज विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ यानी कि अगर आर एन ए पॉलीमरीज थ्री रिमूव हो रहा है न्यूक्लियो प्लाज से तो किस चीज़ के सिंथेसिस के ऊपर फर्क आएगा द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए दैट इज टी आर एन ए तो नॉर्मली यू के अंदर जो आर एन ए पॉलीमराइज एंजाइम है दैट इज़ टाइप वन टाइप टू एंड टाइप थ्री ये कैटेलाइज करवाते हैं आर एन ए के सिंथेसिस को अगर हम टाइप वन की बात करें तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर आर एन ए टाइप टू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एम आर एन ए टाइप थ्री इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर टी आर एन ए और यहाँ पे टाइप थ्री के बारे में ही पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दैट गिव्स अ अपियरेंस एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग इन अ क्रोमोजोम वेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है जिनकी अपियरेंस बीड्स ऑन स्ट्रिंग के जैसी आती है क्रोमोजोम्स के ऊपर तो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी दैट इज न्यूक्लियोसोम्स the nucleosomes appear as beads on strings in the chromosome when viewed under electron microscope the beads in the beads on string arrangement are the complexes of histone and dna the beads plus the connecting dna that leads to the next bead is the nucleosome the next question is the unequivocal proof of DNA as genetic material came from the studies on the correct answer is answer number D that is bacterial virus the unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase इन नाइनटीन फिफ्टी टू दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड एज बैक्टीरियो फैज नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्युलर बायोलॉजी यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करती है द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर डी दैट इज़ एच तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि सेंट्रल डोगमा होता क्या है सो इट इज़ बेसिकली दी वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डी एन ए टू एम आर एन ए एंड देन टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोगमा एंड इट वॉज गिवेन बाई एफ एच सी क्रिक इन नाइनटीन फिफ्टी एट तो बेसिकली डी एन ए से पहले ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बनेगा एम आर एन ए बनेगा देन ट्रांसलेशन होगा और फिर प्रोटीन बनेगा लेकिन अगर हम एच आई वी की बात करें जो कि रेट्रोवायरस है इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है और इसी की वजह से ये सेंट्रल डोगमा वाला जो फंक्शन है वो फॉलो नहीं करती है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम अ जीनोमिक लाइब्रेरी यूजिंग दी करेक्ट आंसर एज़ आंसर नंबर बी दैट इज़ डी एन ए प्रोब यानी कि हमारा जो जीनोफ इंटरेस्ट है उसको जीनोमिक लाइब्रेरी से सिलेक्ट किया जा सकता है लेकिन हमें उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें डीएनए प्रोब की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एग्जोन इन अ डिफाइंड ऑर्डर इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज़ कॉल लेस द करेक्ट आंसर एज आंसर नंबर डी दैट इज स्प्लाइसिंग तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पहले वाले पेपर में भी एक बार रिपीट हो चुका है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन यू कैरियाटिक सेल ट्रांसफॉर्मेशन द आर एन एज स्लाइसिंग एंड डी एन ए कैपिंग टेक्स प्लेस इन साइड द करेक्ट आंसर एज आंसर नंबर बी that is nucleus so unlike in prokaryotes where the transcription and translation takes place in same compartment in eukaryotes the primary transcript is first processed in nucleus and then it is transported outside the nucleus therefore the nucleus इस दी करेक्ट आंसर एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन द प्रोटीन सिंथेसिस इज डिसाइडेड बाय द सीक्वेंस ऑफ द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी दैट इज एम आर कि जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे उसको डिसाइड कौन करता है एमआरएनए उसको डिसाइड करता है the messenger rna has been named so because it carries the coded information from the dna for the synthesis of protein it carries the coded information in a number of base triplet called codons तो ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर सिक्स थे तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मैटर करता है और आप अपने व्यूज़ भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू